20% ऑफ द प्रेगनेंसीज आर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और यही 20% प्रेगनेंसीज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अनीमिया, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट, किडनी, लिवर लाइक हेपेटाइटिस, एचआईवी इन्फेक्शन और इवन थैलेसीमिया. Hello everyone, myself Dr. Monica Maheshwari, consultant, gynecologist and obstetrician at Amandir Medicity Hospital, Amritsar. Today we'll talk about high-risk pregnancy. High-risk pregnancy is a pregnancy in which the mother, fetus and the newborn are at increased risk of morbidity and mortality during pregnancy, delivery or post-delivery due to some complicating factors. Iska matlab ki high-risk pregnancy hum un pregnancy ko bolte hain जिसमें बच्चा, माँ और या डिलीवरी के बाद बच्चे को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी के टाइम या डिलीवरी के बाद रिस्क है उनकी हेल्थ को और उनकी जान को रिस्क है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अलावा कोई और प्रॉब्लम भी साथ में प्रेजेंट है. 20% ऑफ द प्रेगनेंसीज आर हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और यही 20% प्रेगनेंसीज हाई रिस्क प्रेगनेंसीज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ मेटरनल कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 70-80% ऑफ fetal and neonatal mortality and morbidity. So we have to screen this high risk pregnancy. It is important to screen the high risk pregnancy from the start of the pregnancy. Now what are the factors which decide ki ye pregnancy high risk pregnancy hai? Like first, age, less than 16 years of age of the mother of the pregnant lady and more than 40 years of age, they come under the high risk pregnancy. Then is a grand mal disparity. डैट मीन्स कि अगर पहले उसकी 5 या उससे ज़्यादा डिलीवरीज हो चुकी हैं लेडी की, और इफ़ देयर इज पास ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, डैट मीन्स अगर प्रीवियस उसकी प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है कि प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एबॉर्शंस हैं, रिपीटेड एबॉर्शंस हैं, या प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ IUGR है, मालफॉर्म बेबी है, या मैक्रोसोमिया बेबी है, या पॉलीहाइड्रोमनियोस है उसको, तो ऐसे सब केसेस में भी रिस्क है कि इस प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है. Then if there is previous or current any medical disorder along with the pregnancy, medical diseases like anemia, diabetes, hypertension, then any disease of the heart, kidney, liver like hepatitis, HIV infection or even thalassemia. Then if there is previous or current obstetric disorders, yani ki pregnancy se related koi problem hai, high risk problem hai, like placenta previa, ट्विन प्रेगनेंसी, पॉलीहाइड्रोमनियोस और ओलिगोहाइड्रोमनियोस यानी कि जहाँ पे लाइकर कम है या ज़्यादा है, या IUGR है, तो ऐसे केसेस में. और इफ़ देर इज़ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एनी मेडिकल डिसऑर्डर और जेनेटिक डिजीज, एंड इफ़ देर इज़ हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी डन ऑन द यूट्रस और द वल्वा, लाइक मायोमेक्टमी, फाइब्रॉइड की सर्जरी हुई हुई है उसकी, या मेट्रोप्लास्टी, या हिस्ट्री ऑफ रिपेयर ऑफ VVF, स्ट्रेस रिलेटेड इनकॉन्टिनेंस और कंप्लीट पेरिनल टीयर. तो इन सब सिचुएशन में वी हैव टू स्क्रीन द मदर इधर बिफोर और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉर द हाई रिस्क, बिकॉज सच प्रेगनेंसीज हैव टू बी मैनेज वेल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टू हैव अ बेटर आउट मैनेज सच हाई रिस्क प्रेगनेंसी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग. डेट मीन्स कि द कपल हु आर ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी, ज़रूरी है कि वो प्लान करने से पहले अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि उसके दौरान हम कुछ एक टेस्ट कराते हैं जिससे वी कैन स्क्रीन आउट कि कहीं इस कपल में कोई हाई रिस्क तो नहीं है प्रेजेंट, लाइक स्पेशली ऑफ द डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या अगर पहले से ही द फीमेल इज़ टेकिंग एनी मेडिकेशन फॉर एनी लाइक डायबिटीज और एपिलेप्सी, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन एंड एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से, जो मेडिसिन स्पेशलिस्ट जिससे आपके ट्रीटमेंट चल रहा है, उनको कंसल्ट करें, क्योंकि मे बी वी माइट नीड टू चेंज द मेडिकेशन. एक तो we have to give the medication which is safe for the baby, because there are some medicines of especially of epilepsy and diabetes which are not safe for the baby, so we have to change the medication or we might need to change the dose of the medication. Then there is need of to start the folic acid prior conception, that is also helpful. Now antenatal care, so it's important that we have to care the mother during the pregnancy and
we should screen, especially the mothers, in the start of the pregnancy, so that we can prevent for any mishap. And pregnancy carry the risk to the mother and the fetus for their health and for their problems. So it's important ki aise deliveries institutions mein ki jaye jahan pe round the clock obstetrician, pediatrician, neonatologist, ICU care, NICU care, intensivist, medicine specialist sab available ho, so that timely we can handle the situation. Thank you.